समझो दिल भर जाए। मंगोलपुरी विधानसभा में दिल्ली के पूर्व मंत्री राजकुमार चौहान और उनके बेटे बॉबी चौहान, जो कि मंगोलपुरी विधानसभा से भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, उनके नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें देशभक्ति गीतों के साथ सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोगों ने भाग लिया। इस तिरंगा यात्रा का नेतृत्व भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता बॉबी चौहान ने किया। उन्होंने कहा कि इस तिरंगा यात्रा का उद्देश्य हमारे प्रधानमंत्री का सपना है कि घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। इस नारे को लेकर पूरे देश में इस तरह की यात्राओं का आयोजन किया जा रहा है। इस उपलक्ष में हमने भी मंगोलपुरी में इस तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। साथ ही उन्होंने आक्रामक तेवर अपनाते हुए डिप्टी स्पीकर और मंगोलपुरी विधानसभा से विधायक राखी बिल्डान पर कई गंभीर आरोप लगाए। हर हालत में एक एक वर्कर ने कसम खाई है कि हम भाजपा इस बार लेके आएंगे। इस बार तिरंगा यात्रा के दौरान आप पैदल चले, क्या आपने इलाके के हालात को नोटिस किया, क्या आपने इलाके के अंदर कमियां पाई? हालात तो ये हैं कि जो हमारी विधायिका जी हैं, मैं क्या नाम लूँ उनका, सबसे पहले तो मैं बता दूँ आपको, दुर्भाग्य कारण ये है कि भाई जल बोर्ड की जगह उन्होंने घेर रखी है और ना ऑफिस खोल रखा है। अब किसी जल बोर्ड के ऑफिस की जगह घेरोगे, उस ऑफिसर से क्या काम करवाओगे? दूसरा, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पे जो कार्य हैं, जो पिछले मेरे पिताजी के टाइम पे श्री राजकुमार चौहान जी ने जो यहाँ पे कार्य किए थे, उनकी मेंटेनेंस तक, मैं फिर से कोट कर रहा हूँ, मेंटेनेंस तक नहीं करा पा रही है विधायिका। यहाँ के लोग इतने परेशान हैं और उनके मुँह पर भी आ रहा है कि हमारी गलती हुई पहले, वो किसी भी कारण हुआ हो, लेकिन आज लोग दुख हैं, दुखी इतने हैं कि आप गली गली चले जाओ, ड्रग्स का अड्डा बना हुआ मंगोलपुरी का, क्राइम का अड्डा बना हुआ मंगोलपुरी का, शिक्षा के नाम की चीज़ कोई है नहीं यहाँ पे, और जब शिक्षा नहीं होगी तो हमारे बच्चे गलत चीज़ों में जाएंगे। आज उसी को देखते हुए हम लोगों ने, मेरे पिता से जो हम लोगों ने हमारे कर्म देखे हैं, उनके करे हुए यहाँ पे, हम सीखे हैं उनसे, मैंने यहाँ पे भाजपा परिवार ने एक एक ने इस ऑफिस के ऊपर ही फर्स्ट फ्लोर पे हम लोगों ने कंप्यूटर सेंटर, एक जो लोकल जो कोर्स होते हैं उनके टैली के, किसी प्रकार के भी कंप्यूटर कोर्सेज स्टार्टअप जो होता है, वो हम निशुल्क बिल्कुल बच्चों के लिए करा रहे हैं। साथ में एक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का भी हम लोग इंतजाम कर रहे हैं, मंडे से यहाँ पर चालू हो जाएगा। जो कंप्यूटर टीचर्स का जो है वो ऑलरेडी चल रही है हमारे यहाँ, एक हफ्ते में हमारे को इतना रिस्पांस है कि 1100-1200 लोगों के रिस्पांस आए हैं। मेरा नाम अमित कुमार जाटव है। आज 78वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में 251 फुट की तिरंगा यात्रा हमने निकाली है श्री राजकुमार चौहान जी के नेतृत्व में, जिसकी अध्यक्षता खुद केशव बॉबी चौहान जी ने की थी। आप देख सकते हैं कि मंगोलपुरी की जनता ने कितना बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लिया और कितनी ज़्यादा उसके अंदर गैदरिंग थी। और अब मैं यही कहना चाहूँगा कि आप देखिए, एक जमाना 2013 का भी था और आज 2024 का भी है। कहाँ 2013 के अंदर मंगोलपुरी एशिया की नंबर टॉप की जे कॉलोनियों में आती थी, और आज मंगोलपुरी की ये हालत है कि जो राजकुमार चौहान जी कराए हुए कार्य हैं उसकी मरम्मत भी नहीं करा पा रहे हैं। मंगोलपुरी विधानसभा का निवासी, आज़ादी के इस 78वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर मैं पहले तो आपके चैनल के माध्यम से समस्त देशवासियों को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और वहीं मंगोलपुरी विधानसभा के अंदर आज भव्य तिरंगा यात्रा जो श्री राजकुमार चौहान जी के नेतृत्व में निकाली गई है, जिसमें मंगोलपुरी विधानसभा के निवासियों ने बहुत ही बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, उसके लिए मैं मंगोलपुरी विधानसभा निवासियों को धन्यवाद देना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत। तिरंगा यात्रा के दौरान राजधानी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में इस तरह के आयोजन देखे जा रहे हैं। उसी वानगी में दिल्ली मंगोलपुरी में भी इस भव्य तिरंगा यात्रा के माध्यम से लोगों ने आजादी के महापर्व का आनंद लिया। मंगोलपुरी से न्यूज फोल्डर के लिए रोनित की रिपोर्ट।